हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। बेसिकली दोस्तों आप सभी ढूंढते थे यहाँ पे कोई एक ऐसा SMPS एम्पलीफायर जो कि बेस भी चला सके, टॉप भी चला सके, लाइनरी भी चला सके, मॉनिटर भी चला सके। तो यहाँ पे मैं उस टाइप का यहाँ पे एम्पलीफायर लेके आऊँ, वो भी SMPS के अंदर। ध्यान रखिएगा, SMPS के अंदर मैं लेके आऊँ, और क्वालिटी जो रहेगी, कंपनी जो रहेगी, वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। सर्विस भी मिलती है, ऑफरल सर्विस भी आपको मिल जाती है इस एम्पलीफायर के साथ। यानी हाल फिलहाल में तो लॉन्च हुआ है, और मैं इसको रिव्यू भी कर रहा हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग भी करी है मैंने। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ओपनिंग करके यानी इसकी अनबॉक्सिंग करके स्पेसिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे हमें एम्पलीफायर में क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा। इस चैनल को जो सब्सक्राइब करी हुई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, यानी CP10000Q। और बेसिकली किस ब्रांड से आता है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके ही बताता हूँ। चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ये बॉक्स पैकिंग हमको दे रखी है, और इसके ऊपर एक थर्माकोल रख रखा है दोस्तों। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक थर्माकोल रख रखा है, और ये ब्लैक पन्नी में आता है। बेसिकली दोस्तों ये जो कि ब्लैक पन्नी में आपको देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे ये एम्पलीफायर को निकाल के दिखाता हूँ। काफी हल्का एम्पलीफायर है, और मैं इसे निकाल के अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे ये एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पर क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे CKS Acoustics के आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बेसिकली दोस्तों ये जो एम्पलीफायर आता है वो CKS Acoustics की तरफ से आता है, और यहाँ पे हाल फिलहाल में ही इस एम्पलीफायर को लॉन्च करा है। साथ ही साथ अगर मैं दोस्तों मॉडल नंबर की मैंशन करूँ, तो यहाँ पे आपको CP10000Q मॉडल नंबर मैंशन कर रखा है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे ये चार चैनल का एम्पलीफायर है, ये देख सकते हैं, ये चार नोब आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है, पावर की, पाल, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपको यूज़ करते करते ही यहाँ पे पता लगेगा कि कैसे ये एम्पलीफायर वर्क करता है और कैसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। ग्रिल देखने को मिल जाती है, सारा जितना भी है वो सारा मटेरियल के अंदर इसको यूज़ करा गया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और बाई चांस अगर आप इसको ऐसे उल्टा भी कर दें, तो यहाँ पे स्क्रीन जो है, यहाँ पे जो लाइट है, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, यानी टूटेगा नहीं, तो इस चीज़ का इसमें ध्यान दिया गया है। चलते हैं कुछ और पीछे की साइड की डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है बैक साइड एम्पलीफायर की, और यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये है दोस्तों इनपुट और आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं XLR इनपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप XLR इनपुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको XLR आउटपुट भी मिलती है, तो वो चीज़ में मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आता है स्पीक ऑन सॉकेट्स, तो आप स्पीक ऑन सॉकेट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे चार चैनल का, तो यहाँ पे आपको चार चैनल के आउटपुट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये कुछ स्विचेस, और यहाँ पे जो कि है आउटपुट, तो ये स्विचेस देख सकते हैं, इससे आप मोड सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा हो गया, यहाँ पे जो कि मोनो है या ब्रिज है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ, तो ये आ जाता है आउटपुट, यानी आउटपुट आप इनपुट अगर बैलेंस्ड ही करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपको बैलेंस्ड ही मिलेगी, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मिल जाती है ये पावर पोर्ट की क्वालिटी भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। चलते हैं यहाँ पे हम इसके एम्पलीफायर के बारे में कुछ और डिटेल के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखी यहाँ पे एम्पलीफायर के फ्रंट और बैक पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है, यही बात करते हैं आप इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे पावर रेटिंग्स की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूँ, 8 ओम्स पे पर चैनल कितना देता है, तो दोस्तों ये देता है 8 ओम्स पर चैनल 1350 वाट, यानी 1350 वाट आपको चारों चैनल पे एक एक आउटपुट मिल जाएगा। यही अगर मैं बात करूँ इसकी जो 4 ओम की पावर है, यहाँ पे 4 ओम पे आपको कितना पावर दे देता है, तो दोस्तों सुन के हैरान रह जाएंगे, 4 ओम्स पे देता है 2200 वाट। तो यकीन करिए अगर आपको इस पे ड्यूल के 1200 वाट के बेस भी चलानी हो, चार यानी ड्यूल के चार बेस 1200 वाट के चलानी हो, 4 ओम पे ये एम्पलीफायर चला देगा। ये ऐसा डिजाइन कराया, जैसे कि मैं अभी टेस्टिंग पे आपको दिखाऊंगा, इस पे बेस भी मैं डाल के दिखाऊंगा जो कि इसके लायक होगी, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगा, वो मैंने अभी टेस्टिंग दिखाऊंगा जब आपको पता लगेगा। यही अगर मैं ब्रिज की पावर की बात करूँ, 8 ओम्स की ब्रिज की पावर, यानी आपके पास चार चैनल होते हैं, आप
चार चैनल को डिवाइड कर दीजिए दो दो में, यानी दो चैनल एक आउटपुट देंगे, दो चैनल एक आउटपुट देंगे, ब्रिज का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट पर चैनल जो मिलेगी, यानी आपको दो चैनल को मिला के एक जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 4400 वाट। तो यानी लो से लो बेस, हाई से हाई एंड वाली बेस भी आप इस पर चला सकते हैं। ये हो गया आपके लिए 8 ओम्स का, अगर कोई है तो वो भी आप चलाइए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं 4 ओम की बात करूँ तो 4 ओम पे ये दे देता है 4800 वाट ब्रिज पे, और ये चीज स्पेसिफिकेशंस मुझे काफी अच्छी लगी। डैम्पिंग फैक्टर दोस्तों यहाँ पे ये 600 रखा गया है, डैम्पिंग फैक्टर क्लास डी के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे ये लो से लो हाई से हाई वोल्टेज पे भी वर्क कर सकता है। और क्वालिटी जो रहती है क्लास डी की वो तो बिल्कुल छन के आती है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, हीट सिंक भी इसकी कुछ अलग है, यहाँ पे कॉपर टाइप यहाँ पे हीट सिंक इसके अंदर यूज करी गई है। और फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं हम इसकी टेस्टिंग देखते हैं, टेस्ट भी कैसा परफॉर्मेंस करता है वो हमारे लिए मैंने रखा है। और मैंने इस पर डाले हैं दो बेस, यानी 1200 वाट के बेस और दो टॉप, जो कि 1000 वाट के दो टॉप रहेंगे। यहाँ पे इससे हाई मेरे पास थे नहीं बेसिकली, ये तो 4 ओम पे बहुत ही ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे इतने पे मैंने टॉप लगाया, लेकिन बेस हमें चेक करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे बेस को फिर मैंने यहाँ पे जो पावर है उतनी पावर की मैंने यहाँ पे बेस लगा दी। और चलिए टेस्टिंग देखिए, और टेस्टिंग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं हमारे CKS के CP10000Q को, और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ सेटअप मैं कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं कनेक्शन आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कैसे दे रखे हैं। तो ये आ जाता है मिक्सर हमारा, मिक्सर से हम लेते हैं सिर्फ दो आउटपुट, क्योंकि इसके अंदर दो ही आउटपुट है। और ये एक आउटपुट जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डायरेक्ट, ये यहाँ पे यूज करेगी ये वाई केबल, यानी एक आएगी इनपुट, लेकिन ये दो आउटपुट यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं हम, तो ये दो आउटपुट में हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 चैनल के एम्पलीफायर स्पेशली ये बनाई जाती है, या फिर इंसर्ट के लिए भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आ गया जस्ट हमारा क्या कर रखा है हमने, कि एक ये मेन एक्सेलरेटर दे दी हमने क्रॉसओवर को, क्रॉसओवर से हमने जो आउटपुट लिया है बेस के लिए वो हमने इसके अंदर डाल दी, तो वाई केबल से ही इसके अंदर डाली। तो यहाँ पे चारों चैनल इनपुट हो गए, चारों चैनल का आउटपुट है, दो चैनल ये वाले टॉप के लिए हो गए, दो चैनल ये वाले बेस के लिए हो गए। अब आगे साइड हम देखते हैं वॉल्यूम्स को, मैंने चारों को हाफ ऑफ कर दिया, यानी 50-50% पे मैंने उसको खोल दिया है। और अभी हम फिलहाल प्ले करते हैं अपना सॉन्ग, और चलिए फैटर भी उठाते हैं। दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा, यानी जो उसका बेस का पंच था यहाँ पे मुझे बस एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, यहाँ पे क्रॉसओवर लगाना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट क्रॉसओवर नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैं करता हूँ तो क्रॉसओवर तो यहाँ पे सारे चैनल पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसओवर है वो अगर एक्सटर्नल यूज करें इसके साथ तो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, ताकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए भी आपको सिलेक्शन जो नोब्स होती है वो मिल जाती है। तो इससे अगर मैं आज सजेशन दूं आपको, अगर क्लास डी के अंदर आप बेस लगाते हैं या बेस चलाना चाहते हैं तो क्रॉसओवर जरूर यूज करिए। बाकी दोस्तों ये रिलायबल है, यहाँ पे आपके साथ इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आफ्टर सर्विस के लिए कहीं भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पे CKS Acoustics आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे देता है। तो यहाँ पे जो फोन नंबर और जो एड्रेस मैं दूंगा, तो वहाँ पे आपको आफ्टर सर्विस के साथ साथ यहाँ पे पार्ट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं पे भी यहाँ अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो पार्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कंपनी वाइज भेजते हैं तो यहाँ पे आपको आफ्टर सर्विस भी मिल जाती है। और दोस्तों यही बात करें, आप इसको परचेज कैसे करें, प्राइस कैसे भरें, पता करें, तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा शाह ऑडियो इन्फोटेक के नाम से। तो बेसिकली दोस्तों ये शाह ऑडियो इन्फोटेक पे आपको ये एम्पलीफायर अवेलेबल मिलेगा।
चार चैनल का है, प्राइस आपको यहीं से पता लग जाएगी। बाकी ऑल ओवर इंडिया अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर होगा तो वो बता दिया जाएगा, आपकी नज़दीक अगर होगा तो वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।